दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि जो स्पिनर गेंदबाज होते हैं उनकी अधिकतम स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच में होती है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा स्पिनरों द्वारा क्रिकेट इतिहास में फेंकी गई सबसे तेज गेंदों के बारे में, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नंबर 5, शादाब खान। दोस्तों पाकिस्तान के स्पिनर गेंदबाज शादाब खान ने साल 2019 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 111 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। नंबर 4, कृणाल पांड्या। दोस्तों कृणाल पांड्या ने आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलते हुए मार्कस स्टोइनिस को 112.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। नंबर 3, पीयूष चावला। दोस्तों पीयूष चावला ने भी आईपीएल में ही राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शेन वॉटसन को 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी। नंबर 2, अनिल कुंबले। दोस्तों पूर्व भारतीय स्पिनर गेंदबाज अनिल कुंबले ने इंग्लैंड के खिलाफ एक वनडे मैच में 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डाली थी। नंबर 1, शाहिद अफरीदी। दोस्तों शाहिद अफरीदी ने बतौर स्पिनर सबसे तेज गेंद न्यूजीलैंड के खिलाफ 134 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली थी।